चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक और तारीखी इकदाम। साइलीन अब अदालती ऑर्डर घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। हर साइल अपने केस का हुक्मनामा मुतालिका वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगा। जजेस को रोजाना की बुनियाद पर अपने अहकाम अपलोड करने की हिदायत। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एक और गरीब की बेटी जुल्म की भेंट चढ़ गई। गुजरपुरा में 10 साल यतीम घरेलू मुलाजिम पर बेहिमाना तशद्द। बच्ची को डंडों से पीटा गया, स्त्रियां लगाई गई, जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान। सड़क पर चीखती चिल्लाती बच्ची को शहरियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घर की मालिकन मुलजिमा हिना को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा बच्ची इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। वैलेंशिया टाउन में घर के बाहर से चोर गाड़ी का साइड व्यू मिरर चुरा कर ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। सालों से करदार कुशी की जा रही है, अब बस कर दे। मसला मुझसे है, पकड़ मेरे दोस्तों को रहे हैं। सारा झगड़ा 18वीं तरमीम का है। पश्तून को शनाख्ती जिसकी जरूरत थी, मुशरफ दौर में एनआरओ लिया, नाब लूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लाहौर से पुरानी यादें वाबस्ता हैं, यहाँ आकर खुशी होती है। मौलाना फजलुर रहमान दूसरों की छोड़े अपनी फिक्र करें। नवाज शरीफ और जरदारी को करीब लाने वाले भी कौमी मुजरिम हैं। मुल्क की दौलत लूटने वाले अंजाम से बच नहीं सकेंगे। हुकूमत अपना काम कर रही है, इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का मुतहिदा अपोजिशन रहनुमाओं की मुमकिन मुलाकातों पर रद्द अमल। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की जेर सदारत बिजली चोरों की रोकथाम के हवाले से इजलास। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने सूबा जनूबी पंजाब के कयाम के लिए बनाई गई कमेटी को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बनाने में संजीदा नहीं। पीपी के रुकन सूबाई असम्बली मखदूम उस्मान ने एतराज उठा दिए। और लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात एविएशन के अहलकार की जाली डिग्री पकड़ी गई। जहीर अहमद ने अंडर मैट्रिक होने का एतराफ कर लिया। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर होने पर भी एक्शन। ज्वाइंट डायरेक्टर जियाउर रहमान को शोकाज नोटिस जारी।